से टॉपिक पे डिस्कस करने लगे हैं जिसके बीच में हम पता लगाएंगे कि भाई साहब ये क्लाइमेट और वेदर के बीच में डिफरेंस क्या है। हम लोगों को काफी लोगों को यही नहीं पता होता क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस क्या है। हम साइनोम्स की तरह इन दोनों को यूज करते हैं, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। वेदर की जगह क्लाइमेट को यूज कर लेते हैं, क्लाइमेट की जगह वेदर को यूज कर लेते हैं। दे बोथ आर सेपरेट टर्म्स बट हम इनको कंबाइनली यूज करते हैं। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये क्लाइमेट क्या है। सबसे पहले ये देखो क्लाइमेट क्या है, बेसिकली लॉन्ग टर्म स्टडी है। किसकी स्टडी है? एटमोसफियर की, टेम्परेचर की, प्रेशर की, ह्यूमिडिटी की, एक्सेट्रा। लॉन्ग टर्म स्टडी है, इस पे गौर दीजिएगा, लंबी स्टडी है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि लंबी स्टडी है तो कितनी लंबी है? कम से कम 35 ईयर्स लंबी स्टडी है। उस बेस पे देखा जाता है कि 35 ईयर्स के अंदर एटमोसफियर में क्या बदलाव आए, टेम्परेचर में कितनी डिग्री गिरेगी, कितनी डिग्री बढ़ी। जैसे CO2 की वजह से हमारी डिग्री बढ़ ही रही है ऑलमोस्ट, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस, CO2 अपनी, प्रेशर कितना हुआ, ह्यूमिडिटी कितनी हुई, ये सब कुछ हम कम से कम 35 ईयर्स तक देखेंगे। फिर एक आइडिया लगाएंगे कि अब हमारा क्लाइमेट ना पुराने जो बेस ईयर हमने जिसको भी लिया होगा उसके हिसाब से ना चेंज हो गया है। तो ये तो रही क्लाइमेट की कहानी। अब इसका वाइस वर्सा है बिल्कुल, वो जो तुम्हारा वेदर है। वेदर में देखो, वेदर में क्या है, वो शॉर्ट टर्म होता है। उसमें हम ये नहीं देखते हैं कि कितने सालों का हुआ, कितने महीनों का हुआ, ऐसा कुछ नहीं। वो डे टू डे स्टडी होती है। और अगर आप देखोगे ना तो मैक्सिमम से मैक्सिमम एक हफ्ते का देखोगे, 1 वीक। और बेसिकली यहाँ हम क्या कंपेयर करते हैं, आज का मौसम कल के मौसम के साथ कैसा था। वी कंपेयर टूडेज वेदर विद यस्टरडे वेदर। बेसिकली आप लोगों को इतना क्रक्स पता लगना चाहिए, वेदर और क्लाइमेट में एक छोटा सा डिफरेंस यही है कि जो वेदर है वो बेसिकली शॉर्ट टर्म के लिए होता है और जो क्लाइमेट है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। वेदर आप कैसा मान लो, जैसे कि अभी सुबह धूप निकलती है, थोड़ी देर के बाद बारिश हो जाती है, फिर थोड़ा ठीक मौसम होता है, रात हो जाती है, अगले दिन फिर धूप निकलती है या सुबह बारिश होती है। तो कहने का मतलब कि जो डे टू डे एक्टिविटीज होती हैं क्लाइमेट के अंदर उसको हम बोलेंगे वेदर। लेकिन क्लाइमेट होता है जो बेसिकली लॉन्ग जर्नी के लिए होता है, लंबे टाइम के लिए होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं गाइस। ठीक है, थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरा चैनल पसंद था सब्सक्राइब और लाइक पक्का कीजिएगा, ऐसी अपडेट वाली वीडियोस मैं आपको हमेशा देता रहूंगा। थैंक यू।